नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल उर्दू 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की खबर देखिए मैनपुरी से। दूल्हे ने शराब पीकर डीजे पर किया डांस तो दुल्हन ने तोड़ी शादी। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर बारात में दूल्हे ने डीजे पर ऐसा डांस किया कि उसकी शादी ही टूट गई। जहां डांस करते हुए जब दुल्हन ने उसे देखा तो सीधे शादी से इनकार कर दिया। दरअसल दूल्हा शराब पीकर पहुंचा था और दूल्हे के पिता ने भी शराब पी रखी थी। इसका पता जैसे ही दुल्हन को लगा तो दुल्हन ने सीधे शादी करने से मना कर दिया। दोनों ओर से काफी देर तक पंचायत का दौर चला लेकिन बात नहीं बनी। आखिरकार बारात को बैरंग ही लौटना पड़ा। पूरा मामला मैनपुरी के करहल थाना क्षेत्र के ग्राम गंभीरा का है। गांव गंभीरा में ब्रजेश की पुत्री की बारात आई थी। बारात के आने पर लड़की पक्ष के लोगों ने उनका आदर सत्कार किया। शादी की रस्में शुरू हो गईं। कुछ देर बाद जयमाला का कार्यक्रम होना था लेकिन उससे पहले दूल्हा अपने दोस्तों के साथ डीजे पर डांस करने के लिए पहुंच गया। डीजे पर वो अपने दोस्तों के साथ मदहोश होकर डांस करने लगा। तभी दुल्हन ने उसे देख लिया। दुल्हन को शक हुआ कि दूल्हा जमकर शराब पिए हुए है तो उसने जांच करने के लिए बोला। उसके बाद पता चला कि दूल्हे ने शराब पी रखी है। फिर शादी के माहौल में भंग पड़ गई, जहां दुल्हन ने किसी भी कीमत पर शादी ना करने का फैसला लिया। वहीं जब परिवार वालों को ये बात पता चली तो फिर पंचायतों का दौर शुरू हुआ लेकिन दुल्हन ने शादी से साफ इनकार कर दिया। बारात को बिना दुल्हन के ही बैरंग लौटना पड़ा। खास रिपोर्ट हमारे संवाददाता आमिर अली के साथ। शादी ने की स्टेज से दो बार गिरा, बारात में झगड़ा कर रहा था। उसके पिताजी मेरे पिताजी से झगड़ा कर रहे थे दारू पी के, इसलिए मैंने शादी नहीं की। शुभ नाम विक्रम सिंह। अच्छा, कल एक बारात लौटी है, आप रिश्तेदार हैं, कैसा महसूस करते हैं आपके गांव से ये बारात लौटी है? रिश्तेदार तो आना ही बेकार, यहाँ पे दारू पी के आते हैं। हाँ, तो लड़की ने मना कर दिया। ऐसी लड़की होनी भी चाहिए जो समझदारी से काम ले अपना, आगे चल के शादी कर लेती वो तो आगे चल के मारते पीटते तो क्या फायदा करते। तो लड़की ने शादी दुल्हन के शादी के लिए मना कर दिया। स्पष्ट मना कर दिया, जीजा मर जाएंगे, मचाएंगे तो मर जाएंगे। शुभ नाम। अच्छा, आपकी बेटी की शादी थी, क्या घटनाक्रम हुई कि बारात लौट गई और ये सब कुछ हुआ? ना भाई के दारू पीने रखो तो बिटिया हमारी खूब रोई है, जयमाला पे ते आई। हाँ, तो हमने तो भाई कह रही हमारी लड़की शादी हो नहीं है। बिटिया ने कहा? बिटिया ने मुझसे जा कही हम वहाँ नहीं जाए, मम्मी हम मर जाएंगे। फिर तो हम तो अपने घर वाले से बोले हमारी गाँव शादी नहीं। घर वाले ने कही नहीं ऐसी कोई बात नहीं करी, हमने कही ना ही हम करे शादी। बिटिया ही ने कह रही नहीं करे, बिटिया अपनी माँ को भी बता सका तरवा। फिर बारात अच्छा, कल आपकी बेटी की शादी हुई थी, बारात आई है लेकिन बारात वापस लौट गई, क्या है पूरा मामला? मामला यह है सर, बर्थडे बारात आई शाम को, लड़के के बाप ने शराब पी रखी थी। हाँ, और शराब पी रखी थी, हमारे साले को भी गाली गलौज की है, जगह सामान नहीं, ये नहीं ले जाएंगे, वो नहीं ले जाएंगे, और जगह हमें लड़ चाहिए, लेन देने का बुक किया, लेन देने का बुक किया, इसलिए हमारी आपस में लड़ाई हुई। और फिर आपस में लड़ाई, जयमाला भी पड़ी, फिर जयमाला भी पड़ी, लड़की ने माले देगा माले उसको शराब की मांग लगी। मांग लगने के बाद लड़की ने हमसे मना की, फिर हमने भाई लड़की ने क्या कह दिया? हम ये लड़का शराब पिए रखा है, हम शादी नहीं करेंगे।